माँ आमतौर पर ख्याल रखने वाली, जब आप बाहर जाएं तो ये कहने वाली कि किसी से उलझना मत, अपने काम से काम मतलब रखना, बाहर का उल्टा फुल्टा खाना मत खाना, समय से घर आ जाना। लेकिन एक पिता मजबूती देने वाला कि किसी से डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, हौसला रखो। लेकिन एक पुलिस प्रशासन की जब बात आती है तो एक उम्मीद कि जब हम प्रशासन के पास जाएंगे किसी समस्या को लेकर तो हमारा ख्याल रखा जाएगा, कोई साथ ना दे तो कानून हमारे साथ है। लेकिन यही सब रिश्ते जब बहसी बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? जिनसे सुरक्षा की उम्मीद करनी चाहिए उन्हीं से सुरक्षित रहने का नौबत आ जाए तो आप क्या करेंगे? कितना त्रासदी है ना। प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। कुछ दिनों के अंतराल में बिहार में और देश भर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में जानकर, सुनकर और सोचकर आपको निश्चित तौर पर परेशान होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि आप किस समाज का हिस्सा हैं। देश भर की घटनाओं की तो नहीं, लेकिन बिहार के मैं कुछ ताजा और कुछ दिनों के भीतर घटित होने वाली 3 घटनाओं का जिक्र करने वाला हूं आपके सामने, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, और जानेंगे तो वाकई में निश्चित तौर पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं और आपको कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। मामला ताजा ताजा है, बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र का। अभी ना आप अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देख पा रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग खुद ये लड़की कर रही है। उसके जस्ट बाद एक व्यक्ति कमरे में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जानते हैं ये व्यक्ति कौन है? इस लड़की का बाप है जो पिछले 6 साल से इसका शारीरिक दोहन कर रहा है। इतना ही सुन के आप अगर घबराने लगे हैं तो और आगे सुनिए। ये व्यक्ति एक शिक्षक भी है और पुरोहित भी, और इन सब में इसका साथ देने वाली इस लड़की का माँ भी है जो इस बहसी पिता का इस घिनौने करतूत में साथ देती है। सोचिए उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा जिसका शारीरिक और मानसिक तौर पे इस तरह से शोषण किया जा रहा है, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने घर वाले हैं, और वो हैं जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद करना चाहिए। आप किससे शिकायत करेंगे? ये लड़की वीडियो बनाकर अंत में अपना वीडियो वायरल करवाती है, थाने में पहुंचाती है, शिकायत करती है। आम तौर पे जब किसी भी बलात्कार का घटना होता है तो लोग चौक चौराहे पे जुटते हैं, किसी तरह का जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, प्रशासन की पूरी बखिया उधेड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप किससे शिकायत करेंगे? किसके खिलाफ कैंडल मार्च करेंगे? आप प्रशासन को क्या करना चाहिए? ये क्या प्रशासन की गलती है? क्या प्रशासन को अब CCTV कैमरे हर घर में लगा देना चाहिए? क्या हर बाप भाई पे भी नज़र पुलिस को रखना चाहिए कि अपनी बहन और बेटी को कैसे लोग नज़रों से देख रहे हैं? क्या आप यही बच गया है अपने समाज में देखने के लिए? क्या और शर्मसार होना हमें बाकी नहीं था जो ये हो रहा है? कमेंट करके अगर आपके पास शब्द हैं कुछ इसके बारे में कहने के लिए तो बताइएगा जरूर। चलिए अब आते हैं दूसरे मामले पे। यह मामला है सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र का। यह घटना नौहट्टा थाना का है जहां पे एक जो अर्धनग्न व्यक्ति अपने वीडियो में आप देख रहे हैं जिसकी एक महिला मालिश कर रही है। यह महिला जानते हैं कौन है? इसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अपनी बेटी की छुड़वाने के लिए गुहार लगाने थाने आई है और इस गुहार का फायदा उठाया जा रहा है, उसे तेल मालिश के लिए मजबूर किया गया है। खबर सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सोचिए जो पुलिस, जिस पुलिस से आपको उम्मीद करनी चाहिए सुरक्षा की, वो क्या कर रहा है? वो किसी नागरिक का मौका का फायदा उठा रहा है। क्या ऐसा ही पुलिस आपने अपने ख्यालों में सोचा है? क्या ऐसा ही पुलिस आपके पास रहना चाहिए? क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से? अगर इतने पे ही आपका खून खोलने लगा है तो थोड़ा उबाल को शांत कीजिए, क्योंकि तीसरा मामला तो अभी आपको हमने बताया ही नहीं है। यह मामला कुछ दिन पहले का है, गया जिला के डेल्हा थाना क्षेत्र का, जहां पे एक लड़की अपने खिलाफ हुए दुर्व्यवहार के लिए थाने पहुंचती है कार्रवाई कराने के लिए आरोपियों पे। लेकिन आरोपियों पे कार्रवाई तो दूर की बात, थाना का और उस थानाध्यक्ष का जो बर्ताव रहता है उसके बारे में सुनिए। उस लड़की के मोबाइल पे कई सारे आपत्तिजनक वीडियो भेजता है, कई सारे आपत्तिजनक बातें करता है, रिकॉर्डिंग भेजता है, उसके बाद भी नहीं तो उससे सेक्स की अपील करता है। इन सब दुर्व्यवहार एक रेप पीड़िता के साथ हो रहा है। अंदाजा लगाइए कि पुलिस का बर्ताव कितना बहसी है। इन सब मामले को लेकर उस थाना अध्यक्ष पे बाद में कार्रवाई भी होती है, लेकिन तब होती है कार्रवाई जब लड़की अपने बात पे अड़ी रहती है और जब यहाँ से उसे किसी भी तरह का न्याय का अंदेशा नहीं होता, जब वो कोर्ट पहुँचती है आगे की कार्रवाई तब होता है उस पर। इस तरह के कई घटनाएं आसपास पुलिस से लेकर आम तौर पे
होते रहते हैं। कैसे इन चीज़ों को आप देखते हैं, किन किन से बचा जाए? एक बेटी क्या अपने बाप से यह बचने लगेगी? क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है? हम किस जगह पे पहुंचने वाले हैं आगे चलकर, राय जरूर दीजिएगा। आपकी पूरे तीनों घटना है उसको आप किस तरह से देखते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, और लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इन सब मामलों को लेकर हम सोचना चालू करें कि हम किस समाज में रह रहे हैं और हमें किस तरह से बर्ताव करने की जरूरत है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।